हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें कि हम टॉपिक वाइज आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ज़्यादातर आपने देखा होगा मेन एग्जामिनेशन के पेपर में आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का रहेगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मार्क्स का जो है वो भी 20 मार्क्स का रहेगा। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बनाया, फिर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, फिर नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और आज बारी है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। ओके, वेलकम टू माय चैनल मरसान एकेडमी, दिस इज हिमांशु, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, थ्योरी से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में देखिए, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सारे के सारे टॉपिक जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, इवन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी हम अपलोड कर चुके हैं। ओके, सो एंड अदर रिलेटेड ऑफ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टॉपिक वाइज भी हमने डिस्कस कर दिए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बन के आ रहा है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखिए, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मतलब ये है सर कि जहां हमने क्लासिकल मेथड में हमने दो टाइप के मेथड पढ़े थे, फर्स्ट था टाइट्रेशन और दूसरा था ग्रेविमेट्री एनालिसिस। सर, टाइट्रेशन में एक पार्ट था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मतलब जो ड्रग जो एनालाइट प्रेसिपिटेट आउट होते हैं उनका हम एनालिसिस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। तो कौन सी टाइट्रेशन जो है हमको सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपको NaCl की, सोडियम क्लोराइड का, जैसे कि आपने देखा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म में, अगर मैं आपको बोलूं इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आपको एनालिसिस परफॉर्म करना है, ऐसे परफॉर्म करना है, तो हाउ कैन वी मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन टाइट्रेट एंड एनालाइट रिएक्ट ईच अदर एंड टू फॉर्मेशन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच नोन एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज ए इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड दैट दिस टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखिए, शॉर्ट एंड आंसर क्वेश्चन में आपके दो दो मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मेन एग्जामिनेशन में, जिसमें कि 2 × 5 मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, एंड सेकेंड क्वेश्चन भी आपके 2 × 5 का रहेगा जो कि आपके ओवरऑल हो जाएगा 20 मार्क्स का। ओके, तो उसी हिसाब से आपका जो वर्ड है वो 20 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 20 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्लासीफाई द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट डिटेक्शन। देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है सर? पहला मोर्स मेथड, दूसरा वोलार्ड्स मेथड एंड तीसरा फसल मेथड, और चौथा एक और कौन सा है, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। ओके, सारे के सारे मेथड जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला है सर मोर्स मेथड, दूसरा वोलार्ड्स मेथड, तीसरा है फसल मेथड। ओके, इसी के बारे में हमको लिख के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 2 रिक्वायरमेंट फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए जरूरी रहेगी। तो रिक्वायरमेंट को मैं आपको इस हिसाब से समझाऊंगा, देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन इज ए स्टोइकियोमेट्रिक। ओके, एंड सेकेंड इज टू अलाउ द टाइट्रेशन टू बी एडेड quickly the equilibrium between the precipitation and its ion soluble much attaining rapidly at slow attainment of equilibrium will be cause over the titration। ये दो minimum requirement रहनी चाहिए for the precipitation titration। Question number 4, how will we standardize the 0.1 normal AgNO3 solution? Okay, silver nitrate के solution को हमने कैसे standardization करना है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्या प्रोसीजर है उसके बारे में देखते हैं, चलिए स्टार्ट। ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे सर? इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है,
कि जो हमने सिल्वर नाइट्रेट बनाया है उस सॉल्यूशन को हमको वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई इन द सेंस हमको प्रूफ करना पड़ता है कि ये सॉल्यूशन थ्योरेटिकली इसकी कंसंट्रेशन इतनी आ रही है और प्रैक्टिकली इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी आई है, उस हिसाब से हमको परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करते समय सबसे पहले क्या करेंगे हम, देन वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्यूरेट वे अबाउट 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रीवियसली ड्राई एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स। ओके, फर्स्ट वी टेक सोडियम क्लोराइड 0.1 ग्राम एंड दिस सोडियम क्लोराइड previously heated and dry at 110 degree centigrade for 2 hours and dissolve in 5 ml of water. Next, add 5 ml of acetic acid and 50 ml of methyl alcohol and 3 drop of eosin solution. What do you mean by eosin solution? It is a indicator. Okay, next. Next is, eosin solution. Strile through the magnetic sterile, titrate with the silver nitrate solution till the white precipitate AgCl changes from the pink color. And the equation kya hai iski dekhiye, 0.1 normal silver nitrate is equivalent to 0.00584 gram of sodium chloride. It means what? Ki agar burette ki reading mein se 1 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट अगर कंज्यूम होता है तो वो 0.00584 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर होगा। तो उसको हम नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं कि अगर 1 ml इतने ग्राम के बराबर है तो हमारी रीडिंग 15 ml आई, तो 15 ml कितने ग्राम के बराबर होगा, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, सिंपल पोर्शन था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 का। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर बेसिक कंसेप्ट। तो जानते हैं हमने मिथेनॉल जो है क्यों ऐड किया, तो रीजन इज मिथेनॉल इज एडेड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू इम्प्रूव ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस। जो हम ईओसिन डाल रहे हैं इंडिकेटर, उसका इम्प्रूवमेंट कलर लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेथनॉल यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव ग्रीनिश येलो फ्लोरोसेंस एंड टू मेंटेन द पीएच ऑफ 3 द कलर चेंज इज सरफेस। मतलब एक्यूरेट एंड पॉइंट डिटरमिनेशन के लिए हम ये ऐड कर रहे हैं। द नेचर ऑफ फ्लोरोसेंस इयोशिन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज नॉट इजी टू आयनाइज बैक, इट इज एसिड डिस्पाइट द एसिडिटी एंड मिक्सचर, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स cannot be formed if eosin is not formed the conjugation base of iron. Okay, next question hai aapka, question number 6. What is use of nitrobenzene and dibutyl phthalate in modified Wollard method? Okay, what is the use? So use ko hum dekhte hain, kya use hai modified Wollard method mein. Dekhiye, to avoid the before titration, thiocyanate add a solution of few ml an organic liquid which is does not mix with the water like chloroform and nitrobenzene. Okay, so this compound will be moisture surface precipitation forming on it film insoluble water is isolated from the solution. That's why we added the nitrobenzene in the modified Wollard's method. नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर? एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के क्या कौन क्या है और उसके एग्जांपल क्या क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, मोस्ट कॉमन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर इज फ्लोरोसेंस, ईओसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसेंस एंड डाई आयोडोमिथाइल फ्लोरोसेंस। ओके, जिसमें कलर चेंज क्या क्या रहेंगे, फ्लोरोसेंस येलो ग्रीन टू पिंक, ईओसिन पिंक टू रेड वायलेट, डाई आयोडोमिथाइल फ्लोरोसेंस ऑरेंज टू ब्लू and dichlorofluorescence is yellow green to red. This is the color change of common absorption indicator used in precipitation titration. Okay, यहाँ तक हमारे short answer complete हो गए। अब long answer की मैं बात करूँ, देखिए long answer तो आपके main examination में 3 आएंगे जिसमें कि आपको 2 attend करने रहेंगे, ठीक है। Each and every question has 10 marks, so 10 into 2 equal to 20 marks overall. Next, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ प्रेसिपिटेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मोर्स मेथड। देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मोर्स मेथड एंड द एसे ऑफ मोर्स सोडियम क्लोराइड बाय द मोर्स मेथड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिस गिव द ब्रीफली अबाउट द फाजन मेथड एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. थर्ड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजन एंड थायोसाइनेट ऑफ वोलार्ट्स मेथड. फोर्थ द कंपेयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ऑफ मेथड. ओके, इसी के साथ यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो भी है वो भी कंप्लीट होते हैं. देखिए अब मैं बताना चाहूंगा वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है या इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करें. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने की. और थ्योरी रिलेटेड टॉपिक जो आपको देखना है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग.